नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आज के इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग साई सेल्स कला मंदिर लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले। आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर हम लोग इस कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो के एंड के अंदर मैं मेरा फाइनल और मेरा पर्सनल ओपिनियन रखूंगा कि क्या आप लोगों को इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए, सारी की सारी बातों को जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और मैं चलता हूँ सीधे ही मेरी स्क्रीन की ओर। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन द 2005 साई सिल्क्स कला मंदिर लिमिटेड प्रोवाइड्स एथनिक अप्रेल एंड वैल्यू फैशन प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर फैशन के सेक्टर से आते हैं और ये लोग यहाँ पर कपड़े वगैरह बनाते हैं। अगर हम लोग उसके अंदर स्पेशली बात की जाए तो ये लोग यहाँ पर प्रीमियम और अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसके अंदर साड़ीज लहंगा ये सब कुछ आ जाता है महिलाओं के लिए। और साड़ी के अंदर भी इन लोगों के पास में काफ़ी ज़्यादा वाइड रेंज यहाँ पर अवेलेबल है जिसके अंदर बनारसी साड़ी हो गई, गुजराती साड़ी हो गई, तो इस तरीके से ढेर सारी अलग अलग साड़ी वगैरह ये लोग यहाँ पर बनाते हैं। प्लस ये लोग यहाँ पर मेंस वेयर के अंदर मर्दों के कपड़े भी बनाते हैं, ये लोग यहाँ पर चिल्ड्रन वेयर के अंदर बच्चों के भी कपड़े बनाते हैं। तो बेसिकली इन लोगों का जो है यहाँ पर कपड़ों का व्यापार है। तो हम लोग जान लेते हैं आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स को। आईपीओ जो है वो 20 सितंबर के दिन चालू हो रहा है, वहीं 22 सितंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात की जाए तो 210 रुपीज़ टू 222 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली हम लोगों को कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वही एचएनआई कैटेगरी के अंदर जो टॉप वाला प्राइस होता है उसे हमें सिलेक्ट करने का रहता है। अगर मैं इशू साइज की बात करूँ कि भाई इस कंपनी जो है वो इस आईपीओ के जरिए कितना पैसा रेज करने की कोशिश करें, तो ये लोग यहाँ पर 1201 करोड़ का यहाँ पर इन लोगों का टोटल इशू साइज है। मतलब कि ये लोग यहाँ पर 1200 करोड़ जितने रुपये इस आईपीओ के जरिए यहाँ पर रेज करने की कोशिश करें। उसके अंदर अगर मैं फ्रेश इशू की बात करूँ तो 600 करोड़ का यहाँ पर इन लोगों का फ्रेश इशू है, भाई 601 करोड़ का यहाँ पर इन लोगों का ऑफर फॉर सेल है। तो अगर देखने जाए तो भाई इस आईपीओ के जरिए जितना भी पैसा रेज होगा उसमें 600 करोड़ जो है वो कंपनी के खाते में जाएंगे, वही बाकी के 600 करोड़ जो है वो जो प्रमोटर अपना स्टेक बेचेंगे उनके पास में जाएंगे। तो मतलब कि ये यहाँ पर मतलब कि ना ज़्यादा अच्छा है ना ज़्यादा बुरा है, बिकॉज ओएफएस जितना है उतना ही फ्रेश इशू है। और अगर इसकी इशू टाइप की बात की जाए तो एक बुक प्लेट इशू आईपीओ है, इसकी लिस्टिंग जो है वो एनएससी और बीएससी दोनों के ऊपर होने वाली। तो हम लोग यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर पिछले 4 सालों का यहाँ पर डेटा दिया गया है। अगर एसेट्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल 2020 के अंदर इन लोगों के पास में 692 करोड़ के एसेट्स थे, वही लास्ट फाइनेंशियल 2023 के अंदर इन लोगों के पास में 1220 करोड़ के एसेट्स थे। तो मतलब कि पिछले 4 सालों के दौरान जो इनके एसेट्स है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो चुके हैं। तो सबसे पहली और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यही हो जाती है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू के अंदर ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल 2020 के अंदर इन लोगों का 42 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, वही लास्ट फाइनेंशियल 2023 के अंदर इन लोगों के पास में 97 करोड़ का यहाँ पर इन लोगों का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट भी 4 सालों के दौरान ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। अगर नेटवर्क की बात की जाए तो ईयर ऑन ईयर नेटवर्क भी बढ़ती जा रही है। और वही रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए तो रिजर्व और सरप्लस के अंदर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। वही बोरिंग की बात की जाए तो धीरे धीरे बोरिंग भी बढ़ती जा रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ यहाँ पर है। लास्ट फाइनेंशियल 2023 के अंदर इन लोगों के पास में 343 करोड़ के यहाँ पर इन लोगों की बोरोइंग थी, लेकिन कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है, इसलिए मुझे लग रहा है कि बोरोइंग जो है उतनी ज़्यादा इस कंपनी को अफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज कंपनी जो धीरे धीरे अपनी बोरोइंग वगैरह को यहाँ पर रीपेमेंट कर देगी। तो अब हम लोग यहाँ पर कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या तो फिर की मैट्रिक्स को देख लेते हैं। अगर पीई रेशियो की बात की जाए तो इस आईपीओ के अंदर इस कंपनी का जो पीई है वो 27 का है। वही अगर पोस्ट पीई की बात की जाए तो 34 का इन लोगों का पोस्ट पीई है। वही अगर हम लोग मार्केट कैप की बात की जाए तो 3404 करोड़ के यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैप है। तो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ये बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। तो कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। अगर आरओई की बात की जाए यानी ये रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 27.96% की इन लोगों की आरओई है, जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाती है। वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 23.55% की इन लोगों की आरओसी है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर हो जाती है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो 0.87 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो। अब हम लोग डेट टू इक्विटी रेशियो को ना ज़्यादा बोल सकते हैं ना कम बोल सकते हैं, बिकॉज कंपनी के ऊपर थोड़ी बहुत बोरिंग तो है, तो वो भी हमें नोटिस करने की जरूरत है। अगर ईपीएस की बात की जाए तो 8 रुपीज़ पर शेयर की यहाँ पर इन लोगों की अर्निंग पर शेयर है, तो वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर हो जाती है। अगर रिटर्न ऑन नेटवर्क की बात की जाए तो 24.56% की इन लोगों की रिटर्न ऑन नेटवर्क यहाँ पर है। तो कंपनी की मैट्रिक्स और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़र हमें यहाँ पर आ रहे हैं। अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर वेदांता फैशन और इस तरीके की दूसरी ढेर सारी कंपनियाँ आ जाती हैं जिनके पीयर रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कंपेरेटिवली इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें सही नज़र यहाँ पर आ रही है। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को समझ लेते हैं कि भाई ये साई सेल्स कला मंदिर लिमिटेड का जो आईपीओ आ रहा है तो वो कंपनी जो है आईपीओ लेकर यहाँ पर क्यों आ रही है, इसके पीछे का रीजन को समझते हैं। तो यहाँ पर 4-5 पॉइंटर्स को यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सीटिंग अप टू 30 न्यू स्टोर्स। तो बेसिकली ये लोग जो है वो यहाँ पर अपने 30 नए स्टोर्स को ओपन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए इन लोगों के पैसों की यहाँ पर जरूरत पड़ गई है। अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सेटिंग अप टू 2 वेयरहाउसेस।
तो बेसिकली ये लोग यहाँ पर दो नए वेयर हाउस भी बनाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी इन लोगों को पैसों की जरूरत है। यहाँ पर तीसरा दिया रीजन दिया गया फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को चलाने के लिए जो बेसिकली यहाँ पर पैसों की जरूरत वगैरह लगी रहती है, तो उसको भी यहाँ पर इस आईपीओ के पीछे का एक रीजन बताया गया है। अगर चौथे रीजन की बात की जाए तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन अ फुल और पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग अवेल्ड बाय द कंपनी। तो बेसिकली कंपनी ने जो यहाँ पर डेट वगैरह जो बोरोइंग वगैरह उठा रखी है, तो उसका रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए भी लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर आए, ऐसा इन लोगों का यहाँ पर कहना है। और पांचवा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस को यहाँ पर रीजन बताया गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर ओवरऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे यहाँ पर हमें रीजन देखने को मिल रही है, क्योंकि कंपनी जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करना चाह रही है, उन लोगों को 30 नए स्टोर्स खोलने प्लस दो नए वेयर हाउसेज बनाना चाह रहे हैं। तो कंपनी यहाँ पर मतलब कि कंपनी को यहाँ पर अपने पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिख रही है, और कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो करने की कोशिश करें, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करा। अगर मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, तो पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्लस कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ग्रो कर रही है, साथ ही साथ कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल कंपनी है, और इसने पिछले 4 सालों के दौरान प्रॉफिट के अंदर और अपने एसेट्स के अंदर और रेवेन्यू के अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई है। तो कंपनी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, प्लस ये लोग जो यहाँ पर आईपीओ लेकर आए उसके पीछे का जो रीज़न है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ये लोग यहाँ पर जो आईपीओ के अंदर यहाँ पर फ्रेश इशू जो है वो 600 करोड़ का है, मतलब कि आधा पैसा जो है वो कंपनी के काम के अंदर ही लगने वाला है। और इसके अंदर भी इन लोगों ने यहाँ पर 5 रीज़न बताए, तो उसके अंदर जो रीज़न है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ये लोग यहाँ पर 30 जितनी अपनी नई दुकानें या नए शोरूम्स वगैरह लगाना चाह रहे हैं, साथ ही साथ ये यहाँ पर 2 नए यहाँ पर वेयर हाउस बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने जो यहाँ पर डेट वगैरह ले रखा है, जो बोरोइंग और जो दूसरा पैसा इन लोगों ने उठा रखा है, तो उसके रीपेमेंट को लेकर भी ये लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, और इस आईपीओ के अंदर जितना भी पैसा रेज किया जाएगा उसमें से कुछ पैसे का इस्तेमाल वो लोग उस काम के लिए भी करेंगे। तो अब बात आ जाती है कि क्या हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर अप्लाई करते हैं तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि भाई लॉन्ग टर्म के अंदर भी ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है, एक बहुत ही छोटी स्मॉल कैप कंपनी है, तो इन लोगों के पास में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहला और प्लस पॉइंट यहाँ पर यही हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप लोगों को इस आईपीओ के बारे में एक बार जरूर से सोचना चाहिए। तो लिस्टिंग इनका तो क्या है कि भी अगर आखिरी दिन पर अच्छा खासा और जीएमपी और सस्टेनेबिलिटी रेट हमें देखने को मिलता है, तो नो डाउट इस आईपीओ के अंदर आप लोग लिस्टिंग इन के लिए भी सोच सकते हो। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। पर हमें कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशनल पर्पज के लिए बना रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।